खोर्धा जिले में कोरोना स्थिति संगीन दिनक दिन बढ़ुछि आक्रांतों संख्या। खोर्धा जिले में कोरोना संक्रमण में ब्रेक लगाइबा को एक्शन प्लान प्रस्तुत करिछि प्रशासन। खोर्धा जिले में समुदाय संक्रमितों संख्या 30% ग्रामांचल बाहरी। राजधानी में लगातार भाव संक्रमितों संख्या बढ़ुवर एवं भुवनेश्वर उपकंठे अंचलगुड़िक स्पेशल फोकस निष्पत्ति। प्रतिदिन विभिन्न काम राजधानी को आसुवा लोकों पर नजर रखा। क्षीर छेना पर व्यवसायी को चिन्हट कर लक्षण थे कोविड टेस्ट करता। बालीपाटना भाई राजधानी उपकंठ अंचल आसुवा लोक मैंने भुवनेश्वर यूनिट 1 और 4 भिन्न हाट बजार लोकों सहित मिलामिशा कर गांव को फेर फल संक्रमण बढ़ुक नजर रखि राजधानी उपकंठ अंचलगुड़िक अधिक टेस्टिंग हो ग्रामांचल लोकों पर अधिक आंबुलांस व्यवस्था होधिक रैपिड रेस्पन्स टीम सहित ग्रामांचल अधिक डाक्तरी टीम नियोजित करने को योजना होती। लोकों सचेतन करने कम्युनिटी प्रतिनिधि सहायता नियोजित वयस्क एवं गर्भवती अधिक ध्यान दिजाक निष्पत्ति। लोकों उचित सेवा जोगाईदे सहित सचेतन करने अधिक अधिक कोविड सेवक सजग रहे। गंजाम में स्थित नियंत्रण को आसवा पर एवं खोर्धा जिले में कोरोना संक्रमण में ब्रेक लगवाक अधिक गुरुत्व देखते राज्य सरकार। एमतीक गंजाम जिले में कोरोना मुकाबलें गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाई दुई युव आईएएस विशाल सिंह और पारुल पटवारी को खोर्धा जिला और भुवनेश्वर महानगर निगम अंचल दायित्व दि जाए। द्विती कृष्ण पही आम प्रतिनिधि सीधा सड़क आम सहित जोड़ी होती। द्विती जानापी चाहिए आपंठ जो स्टेप्स कथा कह संक्रमण जमी अधिक न व्यापे आम कह वर्तमान आम गोटे बहुत बड़ असुविधार सामना करुचे कहीं ये संख्या जहाँकि 20,000 पार कर खोर्धार एवं अनलॉक 4 भितर सबकि नियम को कोहल कर दि जाए। जहाँ जमापड़ बर्तमान लोक मैंने जब निजे सचेतन नए तो ये पूरा जो नंबर्स रही आप कंट्रोल करना जाना चाहेबू जेहेतु गंजाम पॉलिसी को फॉलो करा जिबो खोर्धार ये पॉलिसी कौन एवं केते दूर कार्यकारी हो पार एवं जो स्थिति वर्तमान उपजिला जो ये संख्या प्रतिदिन जो बढ़ुवा संख्या आपको कंट्रोल करा जाए पार कि देखो तो निश्चिंत भाव कंट्रोल करा जाए पार से बोली पूर्व योजना प्रस्तुत हो सारी। गंजाम जो दुईज दक्ष अफिसर आईएएस अफिसर काम कर अभिज्ञता मत अच्छी से दुईज को आणिकी वर्तमान खोर्धा और भुवनेश्वर एडीएम पोस्ट रखा जाए सहयोग करने एएसओ डाटा एंट्री ऑपरेटर आरआरटी टीम को मध्य वृद्धि करा जाए से मिलित भाव में यह सब काम वर्तमान चलते प्रथम कथा गला। द्वितीय कथा हूँ कि सहर उपकंठ जमी आम देखिए बालियंता बालीपाटना जटणी ब्लॉक ये ब्लॉक रु लोक मैंने डेली भुवनेश्वर को जाऊँ आसुँचु जहाँ भी डिजीज मैंने ने पी गाँव में नहीं छाड़े से स्प्रेड है तेनाली कंट्रोल करने वर्तमान सेमान को टेस्टिंग संख्या को मध्य वृद्धि करा जाए। उत्तरा छक से चेकिंग आज आरंभ होती कड़ाकड़ी चेकिंग जो मैंने आसुच्च जाऊपर नजर रखा आरंभ हो सारी विशेष करके देखा जो भुवनेश्वर संख्या सेप्टेम्बर 15 बेलू 5,000 आक्टिव केस होएमसी पक्षर आकलन कराइला किंतु आम देखी गत काली 5,000 टपि सारी संख्या तेणु हिसाब करूँ केते दिन पूर्व आकलन मैंने पार हो गला तेणु स्थिति वर्तमान ये संगीन अच्छी से बीएमसी आज संपर्क अभियान आरंभ करुच्छे विभिन्न जिला विभिन्न जगार वर्तमान बीएमसी पक्षर संपर्क अभियान आरंभ हो अभियानटी हूँ वरिष्ठ नागरिक जो पूजा आयोजन करुवा संघ व्यवसायी संघ एवं अन्यान्य आउ किछि संघ को लेकर वर्तमान आलोचना करा जिवो एवं डायरेक्ट आउ थरे पुणी सोसाइटी पाखरे पहुंचा जिवो ये कोनोसे नुआ कथा नुहे जे लोकों सहित संपर्क जोड़ा या पूर्वरु आम जानिचंती एबे मध्ये समान कंटिन्यू करचंती समान हेले कोविड सचेतक माने समाने ग्राउंड रे पूरा रूट लेवल रे लोकों घरे समान पहुंची कि एबे भी काम करचंती लोकों बुझाउचंती किबळी भाबरे सचेतन करा जिवो एवं केमिति कले आमे ए माने संगीन परिस्थिति को महामारी को एडै पारिबा ताको नहीं कि आलोचना पूर्व चली चली आज जो संपर्क अभियान हम दिन 11 बेले बरमुंडार गोटे बैठक बसुची से बैठक में निष्पत्ति हम केमी ए परिस्थिति को वर्तमान नियंत्रण भितर को अणा जाइपर एवं बाकी कथा खोर्धा जब आम देखा तो खोर्धार ग्रामांचल बेसी व्यापुची तेणु सेठी केमते स्थिति नियंत्रण भितर को आसीबो तापय मध्य योजना बिल्कुल ग्रामांचल को वर्तमान के गुरुत्व दिए जाउची जे आपण कहउचंती एवं सेठी पई अधिक रैपिड रिस्पोंस टीम मध्य रहइबो ग्रामांचल पई अधिक डाक्टरी टीम रो व्यवस्था करा जइबो
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ପ୍ରତିଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଇଥିଲେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତେଣୁ ସେହି ଫର୍ମୁଲାକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ହୁଏତ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଏ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅନ୍ଲକ୍ ଫୋର୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଦୋକାନ ବଜାର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସବୁ କିଛି କୋହଳ କରିଦିଆଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି କେମିତି।